हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। पिछले लेक्चर के अंदर, पिछले क्लास के अंदर हमने वर्क, एनर्जी और पावर वाला चैप्टर क्या कर लिया था? कंप्लीट कर लिया था, यानी कि वो चैप्टर कंप्लीट हो गया था और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी हमने सोल्व किए थे। न्यूमेरिकल हम निकाले थे, 3 या 4 न्यूमेरिकल मैंने करवाया था। तो आज की जो क्लास रहेगी, आज का जो लेक्चर रहेगा, उसमें भी हम जो बाकी बचे हुए न्यूमेरिकल्स है वो शॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो पूरी क्लास में न्यूमेरिकल निकालने पड़ेंगे। देखते हैं जितने भी न्यूमेरिकल हो जाए, फिर जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है फिर हम नेक्स्ट चैप्टर ले लेते हैं। वैसे तो तुम्हारे बुक के जितने भी मेन चैप्टर थे ना, यानी कि टोटल फिजिक्स हो चुकी है, टोटल केमिस्ट्री हो चुकी है, बायोलॉजी का एक सेकेंड चैप्टर बच रहा है ह्यूमन सिस्टम, वो भी आधा पढ़ाया हुआ है, थोड़ा बहुत पढ़ाना है, बाकी थोड़ा बहुत पोर्शन उसका हटा दिया गया। इसके अलावा जो थ्योरी वाले चैप्टर है ना, जो पीछे वाले चैप्टर रह गए, थ्योरी वाले जो चैप्टर है, जैसे 12वां चैप्टर है, 14वां चैप्टर है, 18वां है, 19वां है, 15वां, ये 5 थ्योरी के चैप्टर है, वो फिर हम ले लेंगे, ठीक है? उनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मेन चैप्टर तो हम पढ़ चुके हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। और जो क्वेश्चन है ना, वो मैं बुक से ही क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर समझाता हूँ, ऐसे टाइम लगता है। तो देखो क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन है, पहले मैं पढ़ता हूँ, समझना ध्यान से। आप भी मेरे साथ साथ अपनी बुक खोल सकते हो, आपके पास बुक है तो बुक खोल लो, चैप्टर नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 8। क्वेश्चन है, सुरेश व रमेश एक 15 मीटर की ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं। चलो मैं ऐसे ही बता देता हूं। देखो एक क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन ये है कि दो लड़के हैं, एक का नाम है सुरेश और एक का नाम है रमेश, ठीक है? दोनों का जो वजन है, इसका भी मास कितना है, 38 kg है। रमेश का मास भी कितना है, 38 kg। दोनों का द्रव्यमान कितना है, 38 kg। दोनों एक 15 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं। मान लो ये कोई पहाड़ी है ऐसे, ठीक है? और इस पहाड़ी की जो हाइट है वो कितनी है, 15 मीटर। पहाड़ी की जो हाइट है वो कितनी है? तो रमेश और सुरेश दोनों अपने 38 kg वेट के साथ इस पहाड़ी पर चढ़ते हैं, इस पहाड़ी पर चढ़ते हैं। तो सुरेश को चढ़ने में जो टाइम लगता है वो 15 सेकंड का टाइम लगता है। कितना टाइम लग रहा है, 15 सेकंड का। और रमेश को इसको चढ़ने में कितना टाइम लग रहा है, 19 सेकंड का। 15 मीटर ऊंची पहाड़ी है, रमेश और सुरेश जो कि दोनों का वजन समान है, दोनों यहां से चढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो रमेश तो है वो रमेश, अगर मैं रमेश की बात करूं तो रमेश इसको यहां तक पहुंचने में 19 सेकंड ले रहा है, सुरेश यहां तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, सुरेश ले रहा है 15 सेकंड। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रमेश और सुरेश दोनों का द्रव्यमान 38 kg है, दोनों एक 15 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने में क्रमशः 15 सेकंड और 19 सेकंड का टाइम लेते हैं। तो दोनों के द्वारा व्यय की गई शक्ति की गणना करो, दोनों ने कितनी पावर खर्च कर दी। दोनों के लिए पी निकालना है, सुरेश के लिए भी पी निकालना है, रमेश के लिए भी क्या निकालना है, पी निकालना है। तो जो चीजें गिवन है वो मैंने लिख दी। सोल्यूशन क्या दोगे, पावर निकालनी है तो पावर का फॉर्मूला डाल दो। पावर का फॉर्मूला क्या है, P बराबर W अपॉन T। अब आप सोचो हमें पावर निकालनी है, उसके सूत्र में दो चीजें आ रही है, एक तो कार्य है, कार्य के साथ क्या आ रहा है, समय। तो पहले तो आपको W निकालना है, पहले आपको क्या निकालना है, W। और सोचो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम हो रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रही है लेकिन वो ऊपर चढ़ रहे हैं। तो बिना सोचे समझे W का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, MGH। कौन सा फॉर्मूला, MGH। लेकिन दोनों का अलग अलग करना है। पहले हम निकालते हैं सुरेश के लिए, सुरेश की शक्ति, सुरेश के लिए निकालते हैं। तो देखो P, और मैं यहाँ पे S लिख देता हूँ, S का मतलब ये पावर है किसकी, सुरेश की। तो P बराबर W अपॉन T। तो पी एस W क्या है, W का फॉर्मूला क्या लगाओगे, W का फॉर्मूला क्या होता है, MGH, यही तो फॉर्मूला होता है। तो W का फॉर्मूला डाला MGH अपॉन T। तो PS इक्वल, M कितना है, सुरेश का द्रव्यमान 38, कितना है 38। और यहाँ पर ध्यान रखना G का मान कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो G का मान 9.8 भी होता है, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान 9.8 भी होता है, 10 भी होता है, लेकिन आपको कौन सा डालना है, जो किताब वाले ने दिया है, जो एग्जामिनर देगा। G का मान क्वेश्चन में मिलेगा आपको, 9.8 है तो 9.8 डालोगे, 10 है तो 10 डालोगे। तो 38 × 10 × हाइट कितनी है, हाइट तो 15 मीटर है ना, ये लो 15 है। और टाइम कितना ले रहा है सुरेश, सुरेश टाइम ले रहा है 15 सेकंड।
ये लो 15 से 15 कैंसिल, तो सुरेश की जो पावर आई वो आई 38 × 10 यानी कि 380, और पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। मतलब इस 15 मीटर की पहाड़ी पर, इस 15 मीटर की पहाड़ी पर 15 सेकंड में सुरेश चढ़ने में, सुरेश 15 मिनट में चढ़ेगा ऊपर तक 38 kg वजन लेकर अपना, तो उसको उसकी कितनी पावर खर्च हो जाएगी? उसको उसकी पावर खर्च हो जाएगी 380 वाट। मतलब सुरेश को यहाँ तक पहुँचने में कितनी पावर खर्च करनी पड़ेगी? 380 वाट। तो ये तो सुरेश के लिए आई, अब आप निकालोगे किसके लिए? रमेश के लिए। रमेश की शक्ति, रमेश की शक्ति यानी कि पी आर, पावर ऑफ रमेश, रमेश की शक्ति। तो फॉर्मूला वही लगेगा, W अपॉन टी। तो W क्या है? फॉर्मूला डालोगे एम जी एच अपॉन टी, तो पी आर क्या आएगा? पी आर, पी आर का मतलब है, आर का मतलब रमेश है, यहाँ पर एस लगाया था, एस का मतलब सुरेश है, बाकी आप पावर तो निकाल ही रहे हो। एम जी एच, इसका भी एम कितना है? 38 है, जी 10 है, हाइट 15 है, समान है, बस एक चीज़ चेंज हो रही है। देखो ये चीज़ तो इसके लिए भी सेम है, टाइम दोनों का अलग है, ये 15 सेकंड में पार कर रहा है पहाड़ी को, ये 19 सेकंड में पार कर रहा है, तो इसके लिए 15 डाला था, इसके लिए क्या डालना है? 19 डालना, तो 19, तो 19 से 38 कैंसिल हो रहा है, कितना आ रहा है? 2 आ रहा ना, तो पी आर कितना हो गया? 20 × 15 कितना हो गया? 300 हो गया पी आर, 300 वाट। अब आप सोचो सुरेश की जो पावर है, सुरेश की जो पावर है वो 380 वाट है, रमेश की जो पावर है वो 300 वाट है, तो सोचो सुरेश के पास पावर ज्यादा है, यहाँ 380 है, यहाँ 300 है, तो सुरेश की पावर ज्यादा है, तो पावर ज्यादा है ना इसके पास, सुरेश के पास पावर है, तभी तो सुरेश ये काम कितने सेकंड में कर रहा है? 15 सेकंड में। तो रमेश के पास थोड़ी सी पावर कम है, तो इसको टाइम लग रहा है इस पहाड़ी को चढ़ने में, कितना टाइम ले रहा है? 19 सेकंड। तो देख लो 4 सेकंड में, 4 सेकंड के अंदर 80 वाट का फर्क हो गया, 4 सेकंड के अंदर 80 वाट का। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप, सुरेश के पास ज्यादा पावर है इसीलिए उसने ये काम कम टाइम में करके दिखा दिया, रमेश के पास पावर कम है 300 आ रहा है तो उसने इस काम को करने में टाइम लगा दिया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आराम से समझ में आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक घोड़ा 37 से 60 डिग्री के कोण पर 30 न्यूटन बल लगाता है। एक बार मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, एक घोड़ा 37 से 60 डिग्री के कोण, एक घोड़ा 37 से 60 डिग्री से 60 डिग्री से कोण 60 डिग्री से साठ डिग्री के कोण से 30 न्यूटन बल लगाता है, 30 न्यूटन बल लगाता है, पीछे बंधी गाड़ी को 7.2 किलोमीटर पर हावर की चाल से एक मिनट तक खींचता है घोड़े द्वारा किया गया कार्य। देखो खींचता है, घोड़े द्वारा किया गया, घोड़े द्वारा किया गया कार्य
एवं घोड़े की शक्ति ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला हुआ, पढ़ना ध्यान से एक बार। एक घोड़ा क्षैतिज से मतलब धरातल से 60 डिग्री के कोण से, मतलब जो घोड़ा है ना, घोड़ा एक तो घोड़ा और घोड़े से घोड़ा गाड़ी जुड़ी हुई है, तो घोड़ा और घोड़ा गाड़ी के बीच में जो कोण बन रहा है, मान लो घोड़ा है क्षैतिज से और उससे जो घोड़ा गाड़ी है वो कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का। तो 30 न्यूटन बल लगाता है, पीछे बंधी हुई गाड़ी को 7.2 किलोमीटर की चाल से 1 मिनट तक खींचता है। कहने का मतलब ये है कि घोड़े के पीछे गाड़ी बंधी हुई है, घोड़ा गाड़ी, और वो घोड़ा गाड़ी क्षैतिज से कितना कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण, और वो घोड़ा क्या कर रहा है, उस गाड़ी को खींच रहा है। तो घोड़ा कितना पावर लगा रहा है, मतलब सॉरी कितना बल लगा रहा है, 30 न्यूटन बल लगा रहा है, और उसकी चाल कितनी है, 1 मिनट तक खींचता उसको, और उस घोड़ा गाड़ी की चाल है 7.2 किलोमीटर पर हावर। तो घोड़े द्वारा किया गया कार्य है, एवं घोड़े की शक्ति ज्ञात करो। तो पहले तो आपको W निकालना है, W के साथ साथ आपको P भी निकालनी है। तो यहाँ पर MGH वाला तो फॉर्मूला लग ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत होता है, ये तो क्षैतिज के समान हो रहा है। तो देखो सबसे पहले अगर इसका सोल्यूशन दें हम, तो सबसे पहले है गिवन वैल्यूज, दी हुई राशियाँ क्या हैं। तो थीटा का मान दिया हुआ है कितना है, 60 डिग्री। F का मान दिया हुआ है 30 न्यूटन। हाँ, और वेग दिया हुआ है कितना, 7.2 किलोमीटर। स्पीड दी हुई है पर हावर। टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। बस ये सारी चीज़ें दी हुई है। अब सबसे पहले निकालना है घोड़े का कार्य। कार्य निकालोगे, कार्य का फॉर्मूला क्या लगाओगे, यहाँ पर W का कौन सा फॉर्मूला काम आने वाला है, MGS तो काम ही नहीं करेगा। थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब FS cos थीटा, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, FS cos थीटा, FS cos थीटा। तो W इक्वल F का मान, अब देखो F तो पता हमें 30 न्यूटन है, थीटा का मान भी पता है 60 है, S नहीं है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, क्या नहीं दिया हुआ, F का मान तो आप डाल दोगे कि सर 30 है, थीटा का मान cos 60 हो गया, cos 60 का मान 1/2 होता है, ठीक है, लेकिन S कहाँ से लाओगे। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले S निकालना है। S का मतलब क्या है, यहाँ पे S का मतलब है विस्थापन, तो विस्थापन नहीं दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, तो S निकालना पड़ेगा सबसे पहले। और S कहाँ से निकाल सकते हैं, S निकाल सकते हो वेग के सूत्र से, और वेग का सूत्र क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो ये क्या होता है, V बराबर S अपॉन T। तो S को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, V इंटू T। S को हम इधर लेंगे तो वेग और समय क्या हो जाएंगे, गुणा में चले जाएंगे। तो वेग का मान तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वेग ये ना, और समय भी दिया हुआ है, तो इन दोनों से आप क्या निकाल सकते हो, S निकाल सकते हो। और जैसे ही S निकल जाएगा, S का मान यहाँ पर डाल दो, W मिलते पावर भी मिल जाएगी। तो देखो S कितना है, V कितना है, V है 7.2 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज करोगे तो 1000/घंटा है, तो इसको किस में चेंज करोगे, 60 × 60 मतलब 3600 हो गया। इंटू टाइम कितना है, 1 मिनट है, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, कितने सेकंड हो गई, 60 सेकंड। तो ये मिल गया हमें S, क्या मिल गया, S। यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो आप, या तो इसको कैलकुलेशन कर लो यहाँ पर, या फिर यहाँ से डायरेक्ट उठाकर S का मान यहाँ पे रख दो, ये तो यहाँ पर भी क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। तो W का मान अगर आप यहाँ पे डालते हो, या फिर इसको यहाँ पर सोल्व कर लो, देखो यहाँ से एक पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 हो रहेगा, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। तो S कितना हो गया, 36 × 60, तो 36 × 72। S को यहाँ से हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, तो V कितना, 7.2, इसको चेंज करोगे किस में, किलोमीटर में, तो मीटर में 1000 × 3600, ऐसे क्या कैलकुलेशन करेंगे तो ये 60, यहाँ पर ध्यान रखना × 60, तो 2 × 60, तो S का मान कितना आ गया, S का मान आ गया 120, S का मान कितना आ गया 120, यहाँ से उठा के डाल दो क्वेश्चन के अंदर। तो F का मान तो कितना है 30, F का मान कितना है 30, इंटू S का मान कितना है, S का मान निकाला 120 इंटू
थीटा कितना है, थीटा है 60, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस 60 है। तो W बराबर 30 इंटू 120 इंटू कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो कोस 60 बराबर 1/2, ये कितना हो गया 60, तो W कितना आ गया 6 × 3 = 18, यानी कि 180 जूल, 180 जूल, मतलब इतने डिग्री का कोण बनाकर घोड़ा घोड़ा गाड़ी के साथ उसके ऊपर बल लगा रहा है 30 न्यूटन का, तो 30 न्यूटन बल लगाकर 1 मिनट के लिए इस गाड़ी को इतने वेग से खींच रहा, तो कितना काम करना पड़ रहा है उसको 180 जूल, कितना काम करना पड़ रहा है 180 जूल। तो W तो निकाल लिया, मतलब घोड़े का कार्य तो निकल गया, अब घोड़े की क्या निकालना है, शक्ति निकालना है, P निकालना है। तो P निकालने के लिए क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे P बराबर W अपॉन T, P बराबर W अपॉन T। तो W का मान हमने निकाल लिया 180, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, 1 मिनट को चेंज करोगे सेकंड में तो 60 सेकंड, तो यहाँ पे डाल दो 180/W का मान तो यहाँ से डाल दिया 180, और T का मान यहाँ से डाल दो 60, 0 से 0, 6 × 3 = 18, यानी कि 3 वाट। तो यहाँ पर घोड़े की जो पावर आई है वो कितनी आई है 3 वाट। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला डालते जाओ। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, ये जो यूनिट्स होती है ना किलोमीटर पर आवर, इसको भी चेंज करना पड़ता है, ये मिनट में दिया है तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकेंड के अंदर, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, 2 क्वेश्चन। अभी एग्जाम्पल तो मैंने पूरे करवा दिए, बुक के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे हमने सोल्व कर लिए। एक बार बुक के पीछे वाले जो न्यूमेरिकल है, देखो बुक के पीछे न्यूमेरिकल दे रखे हैं कितने 10, कितने न्यूमेरिकल 10, इनमें से सारे न्यूमेरिकल नहीं करने, क्योंकि इनमें कम से कम इन 10 में से भी 7 या 8 न्यूमेरिकल ऊर्जा के ऊपर है, और ऊर्जा वाला टॉपिक तो हटा दिया, तो हमें करना है किसके ऊपर। देखो पहला न्यूमेरिकल है वो भी एनर्जी के ऊपर है, पहला न्यूमेरिकल किसके ऊपर है, एनर्जी के ऊपर है। दूसरा है वो बिल्कुल इजी, आप करके चेक देख लेना। तीसरा एनर्जी पर है, चौथा एनर्जी पर है, पांचवा एनर्जी पर है, 6 और 7, यहाँ पर 6 और 7 के अलावा 8, 9, 10, वो तीनों न्यूमेरिकल है वो भी एनर्जी के ऊपर है। तो एनर्जी वाला पोर्शन तो हट चुका है, हमें 2 न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। तो एक न्यूमेरिकल मैं करवा देता हूँ, कौन सा 7वां, छठा न्यूमेरिकल बिल्कुल ईजी है, एक तो 6 और 1 2, तो दूसरा और छठा न्यूमेरिकल तो आप निकालोगे, और मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे कौन सा न्यूमेरिकल 7, तो चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट विद न्यूमेरिकल्स। तो देखो 7वां क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। एक घर में 5 युक्तियाँ प्रतिदिन 10 घंटे तक उपयोग में ली जाती है। लिख लेता हूँ एक बार, क्वेश्चन नंबर 7, एक घर में 5 युक्तियाँ, एक घर में 5 युक्तियाँ प्रतिदिन 10 घंटे तक उपयोग में ली जाती है, प्रतिदिन 10 घंटे तक उपयोग में ली जाती है। एक घर में 5 युक्तियां प्रतिदिन 10 घंटे तक उपयोग में ली जाती है, यदि इनमें से 2 युक्तियां 200 वाट की, इनमें से 2 युक्तियां 200 वाट की, 2 युक्तियां 200 वाट की, 3 युक्तियां 400 वाट की, 3 युक्तियां 400 वाट की, 3 युक्तियां 400 वाट की, तो इनके द्वारा इनके द्वारा एक दिन में व्यय की गई ऊर्जा
ऊर्जा ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन क्या है, एक घर में पांच युक्तियां, पांच युक्तियों का मतलब कोई भी पांच उपकरण घर में हो सकते हैं, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, बल्ब, ट्यूबलाइट, कोई भी पांच युक्तियां। एक घर में पांच युक्तियां प्रतिदिन 10 घंटे तक उपयोग में ली जाती है, प्रतिदिन 10 घंटे तक जलती है, ठीक है। इनमें से दो युक्तियां 200 वाट की, पांच में से दो युक्तियां तो कितनी है, 200 वाट की है, ठीक है, और तीन युक्तियां कितने की है, 400 वाट की है। दो युक्तियां 200 वाट की, ठीक है, और तीन युक्तियां 400 वाट की, तो इनके द्वारा एक दिन में व्यय की गई ऊर्जा ज्ञात करो। एक दिन में क्या निकालना है, एनर्जी, यानी कि खपत की गई ऊर्जा। सॉल्यूशन क्या है, खपत की गई ऊर्जा, और इसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, इसके लिए फॉर्मूला दिया था P × T/1000, मतलब जो विद्युत ऊर्जा का सूत्र था वो क्या था, शक्ति इंटू समय। तो यहां से देख लो पावर, पी क्या है, देखो पावर तो 200 भी है और पावर 400 भी है, तो देखो 200 200 वाट की कितनी युक्तियां हैं, दो, तो 200 + 2 यानी कि कितने हो गए, 400, तो ये हो गई, और ये तीन 1200 मतलब 1600, ऐसे निकाल सकते। देखो ध्यान से समझना एक बार, पावर कितनी दे रखी है, 200 वाट की दो युक्तियां है ना, तो कितना हो गया, 400 वाट तो हो गया, और दो 200 वाट सॉरी 300 वाट की, 400 वाट की तीन युक्तियां और हैं, तो 3 × 400 तो कितना हो गया, 1200। तो इसको P1 P2 मान लो, तो P कितना हो गया, P1 + P2, तो P कितना हो गया, 400 + 1200, तो पावर हो गई 1600। या आप वैसे भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन ये इजी तरीका है। देखो तो पी तो में मिल गया, कितना हो गया 1600। समझ में आया, को बोले सर नहीं समझ में आ रहा, दो युक्तियां 200 वाट की है, एक 200 की, दूसरी भी 200 की, 200 200 कितने हुए, 400, फिर तीन युक्तियां और है, पांच थी ना टोटल, ये 400 वाट की, 400 400 की, तो 400 × 3 कितनी, 1200, तो 1200 और 400 को जोड़ दिया तो 1600, टोटल वाट कितना हो गया, 1600 × 1600। अब ये कितने, 10 घंटे तक जलाई जा रही है, 10 घंटे तक जलाई जाती है, और कितने दिन के लिए, एक दिन में व्यय की गई है, एक दिन के लिए, ठीक है। तो देखो 10 घंटे तक जलाई और एक दिन के लिए, इनटू नीचे क्या है, 1000, तो 0 से 0 तीन जीरो कट रहे हैं ऐसे, ये लो सीधा सा ये आंसर था, कितना आ गया 16। तो खपत की गई विद्युत ऊर्जा कितनी आ गई, 16, और आपको मात्रा क्या लगाना, यूनिट, या तो यूनिट लगा दो या किलोवाट हावर, इसी किलोवाट हावर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर पांच युक्तियां 1600 वाट की है और उनको रोजाना 10 घंटे तक जलाया जाता है, एक दिन के लिए 10 घंटे तक, तो उनसे कितनी पावर खर्च हो जाएगी, मतलब पावर खर्च होने के बाद कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत हो जाएगी, 16 यूनिट। कितनी, 16 यूनिट। तो ये सबसे इजी फॉर्मूला था कि P × T/1000, नीचे 1000 लगा के आप क्या कर सकते हो, किलोवाट आवर में, 1000 इसीलिए नीचे लगाया ताकि आंसर किस में आ जाए, किलोवाट आवर में। इसको ना लगा अगर आप डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन जो आंसर आएगा ना फिर वो 16000 आएगा, उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो पहले ही 1000 लगा दिया, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आने वाले हैं, कार्य पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं और शक्ति पर, एनर्जी वाले न्यूमेरिकल तो आए नहीं है, क्योंकि आएंगे नहीं, क्योंकि वो वाला पोर्शन तो क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो ये सारे न्यूमेरिकल मैंने करवा दिए हैं, और न्यूमेरिकल नंबर 2 और 6 वो लोग आप खुद करोगे, वो मैं आपको OBT के अंदर दे दूंगा। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो हमारी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ये तीन चार चैप्टर थ्योरी के बच रहे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।